हाँ दिखा दिखा दिखा, वो थोड़ा सा अंदर चला गया, वो झाड़ियों के अंदर चला गया। हाँ यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। यहाँ से भी नहीं दिख रहा है, पेड़ आ गया। हाँ हाँ दिखा दिखा दिखा, वो पत्ते हिल तो रहे हैं उसके, पत्ते हिल तो रहे उसके, नहीं पहले वो हिल रहा है पत्ते को। बहुत कम दिख रहा है, लेकिन विजिबिलिटी बहुत कम है, कैमरे में नहीं आ रहा है, ऐसे दिख जा रहा है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये तो रोजा नहीं है। जानवर ये, हाँ ये दिख रहा है हल्का हल्का, बहुत प्यारा जानवर है, वो देखने में तो मजा ही आता है। प्यारा है लेकिन खतरनाक भी है सेम टाइम। बहुत ज्यादा ये अंदर है बिल्कुल, झाड़ी हो गया बहुत इस तरह से, और भी झाड़ी और भी आती है, पीछे भी है, पीछे भी है। हाँ उसके पीछे भी है, कहाँ पर है? ठीक उसके पीछे है, वही वाला होगा वो, और तो नहीं दिख रहे। नहीं नहीं एक ही, एक ही है, एक ही है ना, एक ही है, एक ही आती है। यहाँ के आदमी वो नहीं कर रहे, गुस्से वाले नहीं है, गुस्से वाले नहीं है, क्योंकि परेशान नहीं है ना, खाना पीना अच्छे से है, कोई परेशान नहीं कर रहे। ये स्पॉटेड डियर दिखा मुझे, और जैसे ही हमारे गाड़ी हमारे नज़दीक आई भाग गए तुरंत, और हाथी का सेम टाइम, ये एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार था, बहुत मज़ा आया मुझे। इधर से कुछ आवाज़ सांबर खड़े आगे, सांबर ये खड़े हैं अभी, अभी तो सांबर बिल्कुल रोड पे खड़े हैं, जैसे हमारी जीप वहाँ पहुँचेगी दिख रहे हो, दूर में दिख रहे हैं। चला गया सांबर साइड में, चला ये वही वाला है जो कल देखा था। बिल्कुल हमारी तरफ देख रहा है, बिल्कुल बगल में हमारे खड़ा है, कोई जूम नहीं किया हमने इसको, अब जा रहा है दूर। फूल पत्तियाँ खा रही है, इस तरफ कौन सा रास्ता है ये? अच्छा जहाँ पे बता रहे हो सांप ज्यादा है, तो ये इधर अलाउ नहीं होना जाना, सिर्फ फॉरेस्ट लोग जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल से मैं बता रहा था कि जंगल में जो बीच में आग लगा रहे थे, ये इन्होंने जानबूझकर आग लगाया है ताकि जंगल में आग न लगे, साइड से पत्ते सारे साइड किए, बीच में कर दिया और बीच में इन पत्तों को आग लगा दी। आग लगाने के बाद क्या है कि ये जंगल अभी सेफ है, इनके कस्टडी में आग लग रहा है। इसका थंबनेल लगेगा, ये क्या है?
बहुत लेट का है, रोकनी पड़ेगी। देखो जंगल में आग लगी और ये इंटेंशनली लगाई गई है। एक्चुअली इनको पता नहीं था कि हम जीप सफारी पे गए हैं, तो इन्होंने बहुत मेहनत करके पुजारों ने पत्ते इकट्ठे करे, आग लगाई, क्योंकि वो आग ना वहाँ से चलती 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 ऐसी आई। देखो ये मतलब साइड में खड़े हो जाते हैं यहाँ तक आने, तो कह रहे नहीं वो तो बहुत लेट की है। एक तरह से ये तड़ी लगी हुई है, जैसे वो तड़तड़ी लगी लगती है दिवाली में, उस तरह से ये वहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा ये यहाँ पे तक ही आग लगेगा, क्योंकि हमारी जीप गुजरनी है, इसलिए वो जा रहे हैं बुझाने। ये इसे बुझाएंगे और बुझाने के बाद फिर हमारी जीप को निकलने के लिए रास्ता बनाएंगे। ये पेट्रोल की है? अरे भाई ये तो पेट्रोल की जीप है, तो आगे भी धुआं ना पावर। अब आप देखो इन्होंने क्या किया, बीच से ये रास्ता काट दिया, ये बीच में जो पत्ते पत्ते जो है इसको इन्होंने काट दिया, अलग कर दिया। अब ये वहाँ तक जलेगा और फिर यहाँ तक, फिर ये आगे जलेगा नहीं, वो बुझ जाएगा, वो बीच से पत्ता हटा रहे हैं। ये अलग तरह की चीज़ें हैं जो अभी आप देख रहे हैं रोड रनर टाइगर पे। जंगल तो आपने कई सारा देखा होगा, जंगल सफारी भी देखा होगा, लेकिन ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। ये देखो पैदल ये लोग जंगल में चल रहे हैं और चल के ये पत्तों को आग लगा रहे हैं, ताकि पत्ते जो हैं कहीं और आग लग के कहीं और न पकड़े, रास्ता साफ कर रहे हैं। जंगल के स्टाफ है सारे। बड़ी बड़ी टहनियों का झाड़ी बनाया हुआ है, झाड़ू बनाया हुआ है, और इससे फिर ये पत्ते देखो बीच में कर इकट्ठा कर रहे हैं और बीच में इस पर आग लगाएंगे। ये डेली का एक्टिविटी है, डेली का काम है। जाओगे कहाँ तक जाओगे भैया ये पूरा साफ करते हुए? तो ये डेली करते हो आप लोग? डेली थोड़ी मतलब डेली मतलब अलग अलग रास्ते में डेली करते होंगे, है ना? पत्ते जल गए उसके बाद ठीक है, उसके बाद और ये इसी सीजन में पत्ते गिरते होंगे, फिर तो पत्ते गिरते भी नहीं होंगे। ये तो साल भर में एक बार ही गिरते, एक ही बार गिरते होंगे, यही ये एक्टिविटी इस समय होता है। और जब भैया आग लग जाती है तो आपके पास है बस यही होती है टहनियां बुझाने के लिए? आग तो आग न लगने के लिए तो हम यहां रखे हैं। हां ये अग्नि वाले हैं एक्चुअली, देखो अग्नि वालों का क्या काम है। अच्छा फायर सेफ्टी से हो आप? फायर सेफ्टी से ही है, इसलिए ताकि रोड में कोई बीड़ी माचिस वो कर ऊपर ना जाए। ये 2.5 किलोमीटर लंबी रोड है, आज इसको कब कंप्लीट करोगे? पूरा काकड़ी ढांग तक जाएंगे भाई, ग्रासलैंड तक ही है, इसी तरह से करते हुए। उससे आगे आपने चितनाला वाली रोड, चितनाला वाली रोड है, हां हो चुकी है। अच्छा वो कर दी काम? हां हां बीच में देखा हुआ है, वो किया हुआ है, यहां तक भी सफाई हो चुकी है। अब बदन बस से यहां तक भी हो चुकी है। अब तो जो पत्ते गिरने से गिर गए, अब तो नए पत्ते आ गए, क्योंकि अब तो हर जगह हरे पत्ते ही हैं, हरे पत्ते हैं, वो तो गिरेंगे नहीं फिर। ये अब भैया पीछे हाथी घूम रहे हैं, वो आप लोग पैदल हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसे? हाथी से इतना वो नहीं है, हाथी तो दूर से दिख जाता है, दूर से दिख जाता है, दूर रहते हैं ना। और टाइगर आ गया तो टाइगर सेफ्टी होती है हमारे पास, सेफ्टी है। अभी क्या सेफ्टी है इस वक्त? अभी तो इतने आदमी हैं, यही बहुत सेफ्टी है। दो लोग हैं आप लोग? तो बस दो ही है? नहीं नहीं पीछे भी, अच्छा पीछे और भी लोग हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है सर, आग जल रही है। हाँ हाँ अच्छा, आग के सामने कोई जानवर नहीं आता है? ये सारे भाग जाएंगे दूर, धुएं से, आग से थोड़ा ज्यादा, आग से धुएं सब लोग भाग जाएंगे। प्रदूषण चीज है इसका धुआं, ये ना देखा जाएगा तो इसका धुआं अच्छा उनकी नजरों में आएगा तो भाग जाएंगे। आग आग और धुआं देख के सारे जानवर भाग जाएंगे। टाइगर नहीं दिखा, टाइगर नहीं दिखा, कोई मूवमेंट है क्या टाइगर की, कोई बता रहे हैं? इधर मंदार डिमेंड का कल शाम तो चौकी के पीछे ही घूर रहा था। हैं चौकी के पीछे रात को इनको भी सुनाई दिया, ये कहते थे ना आवाज सुनाई दिया था वहां रुके हुए। तो याग बीच में रोक दिया ना, वो बुझ जाएगा ना वहां पे। तो देख रहे हो आप ये जंगल का, ये वो फुटेज है जो नॉर्मली कहीं पे दिखता नहीं है, मालूम ही नहीं चलता है हम लोगों को कि क्या है कैसे। और ये बता रहे हैं कि सुबह सुबह ये काम होता है, जब हवा स्थिर होती है, जब हवा चलने लगेगी, हवा तेज़ हो जाएगा तो फिर ये काम बंद कर देंगे, क्योंकि हवा चलने के बाद आग जो है कहीं फैल सकता है, और आग को फिर एक बार फैल गया तो फिर काबू करना आसान नहीं होता है,
इंटेंशनली ये एक जगह पत्ते को बीच में इकट्ठा करके इसमें आग लगा रहे हैं ताकि वहीं पे आग लगे और पत्ते पे जल जाए और कहीं कोई चांस ही ना बचे कि कोई इसमें फिर हादसा हो, किसी भी तरह से कोई आग लगे। क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने सुना था सरिस्का में आग लगी थी, आग लगी मतलब उसके बाद फिर 7 दिन 8 दिन हो गए उसको बुझाने में और बड़ी मुश्किल से वो बुझा, ठीक से बुझ भी नहीं पाया, 3 दिन 4 दिन में बुझ गया, हेलीकॉप्टर्स लगाने पड़े, हेलीकॉप्टर से आग को बुझाया गया, उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से वो फिर वो आग पे काबू पाया गया। तो इस तरह की चीज़ें होती है और जंगल को आग से बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए पर्टिकुलरली इनका एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ अग्नि के लिए काम करता है, आग के लिए काम करता है, जंगल को, जंगल के जानवरों को बचाना, उनको, उनके हैबिटेट को देखना और साथ में आग से बचाना। इस तरह के छोटी छोटी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जंगल को प्रॉपर तरीके से बचा के रखने के लिए, जानवरों को बचा के रखने के लिए। हम तो 1 दिन 2 दिन की सफारी करते हैं और करके चले जाते हैं, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ लगता है। सम्मान करना चाहिए हमारा, हमें, हम सबको, इन लोगों का और जंगल का भी। नेचर अगर अगर है तो ही सब कुछ है। करीब करीब 15-20 मिनट के ब्रेक के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आग जो है बीच रास्ते की बुझा दी गई है। चलो थैंक यू भैया। और अब हम लोग इसके ऊपर जा रहे हैं, एक बार हम निकल जाएंगे उसके बाद फिर ये लोग वापस से इसको आग लगाएंगे। अभी भी देखो इसमें आग सुलग रहा है, ये निकाल कर धुआं निकल रहा है। अच्छा हाथी के गोबर में, हाथी के गोबर में आग लगी हुई है। अच्छा सड़क पे जो पड़ा है, सड़क पे जो हाथी का गोबर पड़ा हुआ है उस पे आग लगा हुआ है, वो कुछ नहीं था जल्दी। हाथी गोबर तो बहुत उसमें काम आ जाता होगा आग लगाने में। आगे भी ये धुआं निकल रहा है, मच्छर भी भाग जाते हैं, हर तरफ स्टाफ के लोग लगे हुए हैं आग बुझाने के लिए। सुशील जी हमारी गाड़ी का ड्राइवर, वो अभी इंस्पेक्शन करने गए हैं कि ये बुझा पूरा या नहीं बुझा, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे गाड़ी निकालना खतरनाक हो सकता है अगर आग लगा हुआ हो थोड़ा तो, क्योंकि पेट्रोल की गाड़ी है और पेट्रोल तुरंत आग पकड़ता है। तो चेक कर रहे हैं ये बुझ गया तो ही फिर गाड़ी इसके ऊपर से निकालेंगे। क्या था मुर्गा छाप की अलग ही ब्रांड है, मिलते भी नहीं अब तो पटाखे। उम्मीद करता हूँ ये सुबह का सफारी वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जरूर किया करें, अच्छा लगा तो भी, बुरा लगा तो भी, कोई बुरा कमेंट हो तो भी करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे बुरा कमेंट भी अच्छा लगता है, कमेंट जरूर करें। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू रोड रनर टाइगर। और मेरे साथ एक और यूट्यूबर भी है, सुभाष चौधरी ब्लॉग्स को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और जिम कॉर्बेट से रिलेटेड अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सुभाष चौधरी ब्लॉग्स में आप देख सकते हैं। रणथंभौर सरिस्का राजस्थान से रिलेटेड, हिमाचल से रिलेटेड आप वीडियोस आप रोड रनर टाइगर में देख ही रहे हैं। कई सारे और वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप पूरी सीरीज़ को फॉलो करें, अभी सीरीज़ में बहुत कुछ बाकी है और भी बहुत सारी सीरीज़ इसके बाद आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।